हेलो हेलो अल्फा ओवर। रात के लगभग 2 बज रहे थे। सियाचिन ग्लेशियर की 1800 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री में भारतीय सेना की जूही पोस्ट के चारों दिशाओं में पाकिस्तान अपने तोपखाने से रात के सन्नाटे को चीरते हुए भारी गोलाबारी कर रहा था। जूही पोस्ट के ओपी बंकर में सूबेदार रतन सिंह व उनके 3 जवान टीएम रमेश, ऑपरेटर मोहन व ऑपरेटर दान सिंह दुश्मन की गोलाबारी का भली भांति निरीक्षण कर रहे थे। जूही पोस्ट के बंकरों की बनावट व स्थिति के कारण दुश्मन के गोले बेअसर हो रहे थे। दुश्मन के तोपखाने की गोलाबारी लक्ष्यहीन थी। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली पहाड़ियों में दुश्मन के आग उगलते तोप के गोले जमी हुई बर्फ के अंदर धंसते हुए विभीषण ध्वनि के साथ फट जाते थे और जमी हुई बर्फ पिघल जाती थी। कुछ ही क्षणों में पिघली हुई बर्फ दूषित बनकर हल्के भूरे रंग में दोबारा जम जाती थी। सूबेदार रतन सिंह और टीएम रमेश बड़ी गहराई के साथ दुश्मन के गोले के फटने के स्थान को नाइट बैनिकुलर के साथ देखते हुए गणना करके अपने मैप में अंकित करके रिकॉर्ड कर रहे थे। साथ ही दुश्मन के एक गोले की जानकारी अपने मुख्यालय को दे रहे थे। वह जानते थे दुश्मन का उद्देश्य मात्र खौफ पैदा करने का है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जूही पोस्ट के सभी बंकर दुश्मन के इस लक्ष्यहीन गोलाबारी से बहुत दूर थे। लगभग 45 मिनट के पश्चात पाकिस्तान की गोलाबारी बंद हो गई थी। सूबेदार रतन सिंह ने ऑपरेटर मोहन को कहा, रेडियो सेट में मुख्यालय को मेरी तरफ से संदेश दो कि दुश्मन की फायरिंग बंद हो गई है। अब हम दुश्मन की फायरिंग का जवाब अपनी तोपों की फायरिंग से देना चाहते हैं। ऑपरेटर मोहन ने आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत रेडियो सेट से संदेश दिया, हेलो अल्फा, हेलो चार्ली, हेलो हेलो, हमारी पोस्ट में सब सुरक्षित हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ, ओवर। चार्ली ब्रावो अल्फा, बहुत अच्छे, शाबाश, ओवर। मुख्यालय से शाबाशी सुनकर सूबेदार रतन सिंह ने कहा, हेलो अल्फा, हम भी दुश्मन के फायर का जवाब दें। हेलो अल्फा, हम भी दुश्मन के फायर का जवाब अपनी तोपों से फायर करके देना चाहते हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं, ओवर। हेलो चार्ली, हम आपके जोश की कद्र करते हैं, दुश्मन को जवाब देने का समय हम आपको बता देंगे, ओवर। हेलो अल्फा, ठीक है, ओवर। हेलो चार्ली, ओके, ओवर। सूबेदार रतन सिंह दुश्मन को तुरंत ही फायर का जवाब अपनी तोपों से फायर करके देना चाहते थे, किंतु मुख्यालय से तुरंत आदेश नहीं मिलने के कारण वह कुछ क्षण के लिए उदास हो गए थे। अपने जवानों को आदेश देते हुए कहा, सुबह होने में अभी आधा घंटा बाकी है, 1 घंटा ही सही, आप लोग सो जाओ। अपने जवानों को विचलित मन से सोने के लिए कहकर सूबेदार रतन सिंह भी अपने स्लीपिंग बैग के अंदर पसर गए। उनके मन में कई प्रकार के द्वंद उमड़ रहे थे। इसी उधेड़ बुन में 1 घंटा पेश बची हुई रात भी बिना नींद लिए हुए व्यतीत हो गई। लगभग 6 बजे के आसपास सूबेदार रतन सिंह ने बंकर के अंदर हल्की सी आहट की आवाज सुनी। किसी के स्लीपिंग बैग से निकलने की आवाज आ रही थी। कुछ क्षण पश्चात केरोसिन वाले स्टोव के जलने की आवाज सुनाई दी। सूबेदार रतन सिंह ने गर्दन घुमाकर देखा तो ओपी पार्टी के सबसे जूनियर जवान ऑपरेटर दान सिंह चाय बनाने की तैयारी कर रहा था। दान सिंह प्रयास कर रहा था किसी की नींद में उनके द्वारा खलल ना पड़े, अतः वह बहुत ही संयम व सावधानी के साथ चाय बना रहा था। जब चाय बन गई तो वह चाय लेकर सबसे पहले सूबेदार रतन सिंह के पास पहुंचा। उनके पास आते ही सूबेदार रतन सिंह स्वयं ही उठकर बैठ गए। दान सिंह ने आश्चर्य के साथ सूबेदार को देखा तो सूबेदार रतन सिंह ने उन्हें आश्चर्य को समाप्त करने के लिए चाय का प्याला अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे धनवा, रात भर सोया नहीं हुए, मैं तुझे तेरे उठने से लेकर चाय बनाने तक देख रहा था। जी साहब, मुझे पता था आप रात भर नहीं सोए, क्योंकि रात भर मैं भी नहीं सो पाया। अच्छा, सूबेदार रतन सिंह ने दान सिंह की बात सुनकर लंबी सांस लेते हुए धीरे से कहा, ठीक है, अब इन दोनों रमेश और मोहन को भी उठा दे और इनको भी चाय पिला दे। सूबेदार रतन सिंह ने जैसे ही रमेश और मोहन को उठाने को कहा, वह दोनों स्वतः ही उठ गए और उड़ते हुए ऑपरेटर मोहन कहने लगा, साहब नींद हमको भी कहाँ आई, पहले इन पाकिस्तानियों की बमबारी ने सोने नहीं दिया, फिर आपकी और मुख्यालय की बात सुनी, बस साहब, फिर हम समझ गए हमारे सूबेदार साहब टेंशन में हैं, तो हम भी नहीं सो पाए,
इतना सुनते ही सूबेदार रतन सिंह और उनके तीनों जवान ठाका मार के हंसने लगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी कहानी में ऐसा क्या था। दोस्तों जब हम अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं ना, तब हमारे सैनिक पूरी रात भर जाकर ड्यूटी देते हुए सोने का समय होते ना होते हुए पूरी रात ऐसे ही गुजार देते हैं, जिससे हमें देश के प्रति समर्पण और त्याग की भावना दिखती है और जिससे हमें सीख मिलती है भारतीय नागरिक होने के नाते भी मिलजुल कर आपसी भाईचारे में रहने की, एक दूसरे का साथ देने की और हर कठिनाई का मिलकर सामना करने की प्रेरणा देते हैं। कहानी के लेखक हैं श्री प्रकाश चंद्र पनेठा और आवाज दी है हिमालयन जैन ने। तो ऐसी ही कहानियां मैं आपके समक्ष लाता रहूंगा। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।